हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विक्की और आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं करने वाला हूं टाटा की सुपर जो है 200X LC की, इसका मैं पूरा फुल रिव्यू करने वाला हूं। और मेरे साथ में जो है ये है दीपक भाई, इस मशीन के ऑपरेटर हैं ये दीपक भाई। और दीपक भाई इसी मशीन के ऑपरेटर हैं और मैं आज आया घूमते घूमते, तो मैंने कहा कि भाई आज आपकी 200 मशीन का पूरा फुल रिव्यू करना है, यानी कि कैबिन रिव्यू नहीं करना है, फुल रिव्यू करना है। फुल रिव्यू में आपको पूरा अंडर बॉडी, अपर बॉडी इंस्पेक्शन सारा चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको, फिर अंडर कैबिन इंस्पेक्शन सारा चीज़ मैं बताऊंगा। और साथ में हमारे दीपक भाई भी है, तो वीडियो में बने रहिए, शुरू करते हैं आज का वीडियो हम। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं बकेट से। तो फ्रेंड्स ऐसा है, देखिए इसमें आपको जितने भी ग्रीस मारने के नेपल पॉइंट्स, यानी कि ग्रीस पॉइंट्स आपको जितने मिलेंगे टोटल, इसमें टोटल 19 पॉइंट्स हैं। यानी कि यहाँ से आपके पूरे बकेट से, यहाँ से लेते हुए पूरा ये आर्म, बकेट सिलेंडर का, आर्म सिलेंडर का, बूम सिलेंडर का, बूम और आर्म अटैचमेंट का, टोटल 19 नेपल्स हैं, यानी 19 पिन हैं जिसमें हमको ग्रीस मारना रहता है। और हर 8 घंटे में हम लोग उसको ग्रीस करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ये नहीं है, इशू नहीं है, हर 8-8 घंटे में हम लोग को पूरा टोटल में ग्रीस करना पड़ता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अभी इसमें क्या है कि हम लोग का फिर स्विंग बैरिंग और स्विंग गियर, ये दोनों में मिला के फिर 3 अलग से पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोग ग्रीस मारते हैं। यानी कि टोटल 19 है, 16 इधर हो गए हैं और 3 इसमें हैं, तो 19 टोटल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ऊपर में, ठीक है, यानी कि मशीन के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया अपना रेडिएटर, ठीक है। और रेडिएटर में जो है पूरा 35 लीटर कूलेंट, ठीक है, रेडिएटर का कैपेसिटी, यानी कि हमारा इसका कैपेसिटी पूरा 35 लीटर का है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं HSD फ्यूल टैंक में। तो ये फ्यूल टैंक इधर हो गया राइट साइड में, फ्यूल टैंक 310 लीटर का आता है पूरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंजन पे, ये अपना इंजन ऑयल का कैप, ठीक है। और इंजन ऑयल इसमें लगता है 15W40 का, 14.2 लीटर का, यानी कि 14.2 लीटर का पूरा हमारा इंजन ऑयल लगता है इसमें 15W40। अब हम लोग आ जाते हैं ये स्विंग डिवाइस पे, और दीपक भाई वो थोड़ा सा स्विंग डिवाइस का वो गेज जो आप नापते हैं, देखिए वो हो गया हम लोग का नापने का, पर डे हम लोग चेक करते हैं कम है या ज़्यादा है। और इसमें 6.7 लीटर गियर ऑयल लगता है इसमें पूरा, है ना। चलिए उसको बंद कीजिए। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इधर हाइड्रोलिक ऑयल टैंक, ये अपना हाइड्रोलिक ऑयल टैंक है, ठीक है, ये अपना हाइड्रोलिक ऑयल टैंक है। और ये अपना प्रेशर डाउन करने वाला, ये देखिए अभी मैं प्रेशर डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हाइड्रोलिक ऑयल टैंक, इसमें आपका हाइड्रोलिक ऑयल लेता है 220 लीटर, यानी कि 220 लीटर की इसकी टैंक कैपेसिटी है मशीन की। अब देखिए यहाँ पे ये आपका आ गया डीजल फिल्टर, है ना, और मोबिल फिल्टर, ये देखिए यहाँ पे मोबिल फिल्टर, इधर मोबिल फिल्टर, ये डीजल फिल्टर। और ये सब कितने कितने आवर्स में चेंज करना है मैं अभी वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। हम लोग आ गए हैं, ये रहा अपना ट्रैक मोटर, ठीक है। तो इसमें आपका आ गया 6.8 लीटर करके दोनों में, यानी कि 6.8 लीटर इधर फिर 6.8 लीटर उधर। अब 6.8 लीटर क्या है कि ये जो अपना ट्रैक मोटर है, इस ट्रैक मोटर के डिवाइस के अंदर में जो हम लोग गियर ऑयल डालते हैं वो 6.8 लीटर है। और गियर ऑयल डालने के लिए ये देखिए हम लोग, यानी कि एक साइड पे इसको या इसको या इसको सीधा रखते हैं पहले नीचे में, देखिए अभी हाल फिलहाल में इसमें चेंज भी किए हैं, सीधा रखते हैं फिर इसको खोलते हैं, फिर चेंज करने के टाइम पे हो या चेक करने के टाइम पे हो, जैसा भी हो इसी से हम लोग काम करते हैं। अब हम दिखाते हैं आपको ये अपना पूरा हाइड्रोलिक पंप का सेटअप, ठीक है। ये इधर पायलट फिल्टर, ठीक है। ये टैंक जो मैंने आपको ऊपर से दिखाई, अभी क्या होता है कि हम लोग इसमें हाइड्रोलिक ऑयल नापते हैं जब चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर है, अभी आपको इसमें समझ में आएगा। ये देखिए आपको हाइड्रोलिक ऑयल नज़र आ रही है ना, तो यहाँ पे भी दागी दो दिया हुआ है, यहाँ तक है तो फिर ठीक है, ये नीचे तक आ गई हाइड्रोलिक ऑयल तो वो लो हो जाएगी, ठीक है, लो हो जाएगी तो फिर हमें डालना होता है। इसीलिए क्या होता है कि बराबर हम नीचे से चेक कर लेते हैं, और उसका यहाँ पे लिखा हुआ हाई लो, इसमें आदमी को समझ में आता है। ये रहा एयर फिल्टर, इनर और आउटर, इसमें दो एयर फिल्टर है, एक आउटर में, इसको जब आप खोलिएगा इसमें दो एयर फिल्टर आएंगे, एक आउटर में और एक इनर में, ठीक है। अब क्या है कि ये जो अपना हाइड्रोलिक टैंक है, यहाँ से जो इसका मेन पाइप जो आया हुआ है हाइड्रोलिक पंप में, तो अभी क्या होता है कभी कभी दीपक भाई आप क्या करते हैं, कभी जब पूरा चेंज नहीं करना हो तो ड्रेन करने के लिए, यहाँ देखिए अगर तेल अगर निकालना था बहुत ज्यादा हाँ, तो इससे यहीं से भी चेंज किया जाए, यहाँ से भी चेंज कर लेते हैं ना। तो ये ड्रेन पाइप, ड्रेन बोल्ट यहाँ पे एक दिया हुआ है ये छोटा सा, इसी से हम लोग पूरा ड्रेन कर लेते हैं। अभी ये अपना हो गया मशीन का काउंटर वेट पूरा,
ठीक है, ये बहुत सारे स्क्रैच भी है इसमें। और सभी काउंटर वेट में एक चीज़ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे अभी लिखा हुआ नहीं है, ये मिट गया है, प्लीज़ कीप आउट द स्विंग एरिया, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ रहेगा ताकि आप उससे थोड़ा सा दूर ही रहें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अभी क्या है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ना इस पॉकेट उधर में पूरा ट्रैक मोटर का सिस्टम, ये हो गया एडलर, इसको हम लोग कहते हैं एडलर। ये एडजस्ट करता है, यानी कि जब हमारी कभी चैन लूज हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि इधर पे आते हैं, यहाँ पे ग्रीस का एक नपल का पूरा सिस्टम दिया हुआ है, अभी इसमें से नज़र नहीं आएगा, पूरा एडेप्टर इसको दिया हुआ है। अभी इस एडेप्टर में क्या करते हैं कि हम लोग मशीन को या तो जैकअप करते हैं, हल्का सा नहीं भी करें लेकिन करने से बेहतर रहता है, जैकअप करने के बाद में उस ग्रीस एडेप्टर में हम लोग जब ग्रीस मारते हैं वो एडजस्टर एटलर को पुश करता है, जब एडजस्टर एटलर को जब पुश करता है तब हमारी ये चैन जो है टाइट होती है, यानी लूज रहने से तो उतर जाएगी, तब हम लोग उसी तरह से चैन टाइट करते हैं। अब ये अपना आ गया टूल बॉक्स, ये देखिए इधर बैटरी, इसमें जो भी अपना है टूल्स रखना है इसके लिए भी दिया हुआ, और ये रह गया अपना बैटरी, बैटरी का पूरा सिस्टम इधर ही है। चलिए ठीक है, दीपक भाई इसको लगाइए। अब हम लोग जाते हैं कैबिन में, ये तो मैंने बाहर से आपको पूरा दिखा दिया, पूरा मशीन के बारे में समझा दिया कि किसमें कितना ऑयल लगता है सारा चीज़। अब हम लोग कैबिन में आते हैं, ठीक है, ये 200 LC सुपर का कैबिन रिव्यू हम लोग कर देते हैं। ये देखिए इसका यहाँ पे मीटर, ये पहले का चाबी ऑन है, ये फ्यूल मीटर, ठीक है, और ये टेम्परेचर मीटर, यानी कि कूलेंट टेम्परेचर मीटर, हम लोग इसको इससे भी कह सकते हैं कि कूलेंट टेम्परेचर मीटर। अभी क्या है, ये देखिए ऑयल प्रेशर, इंजन ऑयल का जब प्रेशर ओवर होगा तो ये सिग्नल ब्लिंक करेगा, ये बैटरी का जो है वोल्टेज के लिए ब्लिंक करेगा, ठीक है। और आपको दो चीज में, ये देखिए इंजन टेम्परेचर का, और यहाँ भी ये तो भागेगी, इसमें आपको पता चलेगा ये भी ब्लिंक करने लगेगा, और ये एयर फिल्टर का, जब एयर फिल्टर आपका पूरा चौक हो जाएगा यानी कि गंदा हो जाएगा तब ये सिग्नल आपको ब्लिंक करेगा। यहाँ पे आवर्स मीटर मशीन का पूरा दिया हुआ है, और यहाँ पे टाटा हिताची का लोगो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये हाइड्रोलिक का लेवल है, यानी हाइड्रोलिक का लेवल जब आपका कम हो जाएगा तो ये सिग्नल ब्लिंक करेगा। ये ईपी, यानी कि जब हम लोग नॉर्मल मोड में मशीन को चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जब हाई मोड में, यानी कि जब इधर पे देखिए एक बटन है मोड का, ठीक है, ये मोड है, इसको जब एक बार टिकते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए HP मोड में देखिए ये कर रहा है, फिर एक बार जब बटन को और दाबेंगे देखिए वो लाइट चली गई, यानी कि यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जब हम लोग एक बार इसको दाबें ये देखिए लाइट आ गई, यानी कि हाई मोड में हम चल रहे हैं मशीन को RPM 100 RPM प्लस करके, फिर इसको एक बार बटन क्लिक किए फिर ये देखिए चली गई, यानी देखिए ये आ रही है जा रही है। तो ये HP मोड में, यानी कि मशीन हमारी फुल एक्सीलेटर में है, और हाई पावर मोड में हम जब चलाएंगे तो ये सिग्नल देते हुए रहेगी कि हमारी मशीन अभी हाई पावर मोड में चल रही है। ये A/I जो है ऑटो आइडल, यानी ऑटो आइडल जो है, जब हमारी मशीन ऑटो आइडल में आएगी, RPM फुल है, मशीन मैंने चलाना रोक दिया, सिर्फ लीवर मैंने छोड़ दी, जब मशीन ऑटो आइडल में आएगी ये सिग्नल ब्लिंक करेगा कि ऑटो आइडल में आपकी मशीन आ गई। और ये देखिए बैटरी का टेम्परेचर, ये जो बैटरी का वोल्टेज का जो है, ये भी आपको यहाँ पे एक सिग्नल ब्लिंक कर रहा है, जो कि यहाँ पे एक ब्लिंक करेगा और ये आपको बताएगा भी। तो अब क्या है, ये तो मैंने आपको मीटर्स के बारे में बता दिया, ठीक है, अब मैं इधर आता हूँ। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर, यानी कि हर मशीन में, जो मैंने पहले मशीनों में भी किया हुआ है रिव्यू, वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर, यानी कि एक्सीलेटर का एक रेगुलेटर का सेटअप जो है, जो लगा हुआ है वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सेटअप कर दिया है। अभी जैसे ही हम इसको पूरा फुल करते हैं RPM हाई होता, ये हो गया एक्सीलेटर का, ठीक है। फिर इधर आ जाइए, ये देखिए ये ऑटो आइडल का स्विच है, ये आपका वाइपर का हो गया, ठीक है। इधर आपकी चाबी स्विच है, चाबी स्विच को ऑन किए, इग्निशन ऑन करने के बाद स्टार्ट करते हैं, और ये एक छोटा सा म्यूजिक सेटअप इसमें लगा हुआ है, ठीक है। म्यूजिक के लिए स्पीकर भी पीछे दिए हुए हैं, इधर केबिन लाइट है, ये आप लोग देख पा रहे हो, उधर से धूप आ रही है तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, ये देखिए इधर केबिन लाइट भी है, ठीक है। ये एक चीज और इसमें क्या है, मैं अभी आपको दिखाता हूं कि, यानी कि ये शीशा जो है, यानी फ्रंट विंडो, हम लोग पूरा सेटअप को खोल सकते हैं, खोल के उठा सकते हैं, और पूरा हम लोग आगे से सोचे कि हम बिना शीशा का ही चलाना तो हम लोग चला सकते हैं। इधर वाइपर का सेटअप जो लगा हुआ है, स्विच मैंने उधर दिखा दिया, अभी बायां साइड में मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए बूम का लाइट हो गया, ये मीडिएटर, फिर इधर ये लाइट, फिर ये जो है ये RPM हाई लो, HP मोड में, हाई पावर मोड में, और ये वाइपर का पानी के लिए। इधर ये तो गेट का ऑटो लॉक है, इधर भी स्पीकर है, इसमें फैन लगी हुई है, इसमें AC नहीं है इस मशीन में। ये मार्चिंग लीवर्स, ये तो आपको पता ही है, ये मैंने बता चुका हूँ ये। और ये हो गया हम लोगों का
मशीन का हाइड्रोलिक लॉक, ये लॉक मैंने ऑन कर दिया यानी लॉक ऑफ कर दिया, यानी मशीन हमारी चलेगी, ये लॉक ऑन हो गया यानी मशीन हमारी जिस मोड पे है उसी मोड पे खड़ी रहेगी। तो फ्रेंड्स अभी क्या है कि जितना मैंने आपको बाहर से बताया टोटल वो तो ठीक है, लेकिन मशीन पे ही क्या होता है कि हमारी जो राइट साइड की विंडो है यानी कि दाहिने साइड की, अभी तो ये मेरी बाएं साइड की है, ठीक है, इधर तो गेट, राइट साइड की विंडो में एक चार्ट साटा हुआ रहेगा, चार्ट साटा हुआ रहेगा कि कौन सा एलिमेंट कौन सा लुब्रिकेंट कितने टाइम पे आप चेक करते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, वो सारा उसमें लिखा हुआ रहता है बाय स्ट्रक्चर। कोई ध्यान देता है, किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता, जैसे कि मैं अभी आपको उसी से देख के मैं बता दूंगा कि क्या है नहीं है। ये देखिए इधर आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरी राइट साइड की विंडो है, शीशा है, इसमें देखिए ये पूरा चार्ट साटा हुआ है कि किस किस टाइम पे हम क्या करते हैं। तो इसमें अभी फ्रेश समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको पूरा पढ़ के समझा देता हूं कि कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में इसमें लिखा हुआ है कि प्लेसमेंट ऑफ लुब्रिकेंट एंड फिल्टर्स एलिमेंट्स, ठीक है। नंबर एक क्या है कि फ्रंट जॉइंट पिन यानी कि जितने भी पिन है, जितने भी पिन के जॉइंट्स है यानी जितने भी ग्रीस के एडेप्टर है, 19 एडेप्टर है, हर 8 घंटे में एक बार आपको ग्रीस करना है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 8 घंटे में एक बार ग्रीस करना है, यानी ये इंडिकेट किया हुआ है, ये मैं आपको समझा दे रहा हूं। उसके बाद है स्विंग बैरिंग, इसके ग्रीस के 2 एडेप्टर है, ठीक है, हर 250 घंटे में आपको इसमें ग्रीस करना है। स्विंग गियर, इसमें ग्रीस का एडेप्टर 1 है, इसमें 500 घंटे में आपको एक बार ग्रीस करना है। उसके बाद है जैसे रेडिएटर कूलेंट वाटर, जो 35 लीटर की मैंने आपको बताया 35 लीटर कैपेसिटी है कूलेंट का रेडिएटर का, उसको 1000 घंटे में चेंज करना है, चेक करना है, चेक करने के हिसाब से फिर आप चेंज कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आपकी मशीन नॉर्मल मोड में चल रही है तो ऐसा करना ही नहीं है, लेकिन हाँ हर 1000 घंटे में आपको वो चेक कर लेना है, अगर चेंज करने लायक है तो फिर आपको उसको चेंज भी करना है। उसके बाद आ जाते हैं फ्यूल टैंक HSD ऑयल, जो 310 लीटर की टैंक है हमारी, उसमें क्या है कि 500 घंटे में क्लीनिंग, यानी 500 घंटे में हम उसे क्लीन करते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपका इंजन ऑयल पैन विथ फिल्टर, यानी कि इंजन ऑयल जो है पेन विथ फिल्टर यानी फिल्टर के साथ, तो जो 15W40 जो है हमारा 14.2 लीटर है, उसमें क्या है कि सबसे पहले क्या है कि 8 घंटे में, हर 8 घंटे में आपको चेक एंड इंस्पेक्शन करना है, यानी कि चेक करना है 8 घंटे में इंजन ऑयल को, ठीक है। उसके बाद में 50 आवर्स में क्या लिखा है इसमें कि फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑनली, यानी कि अगर आपकी मशीन नई है और पहली बार अपने मशीन को स्टार्ट किया है तो पहला रिप्लेसमेंट, सिर्फ पहला रिप्लेसमेंट ऑनली 50 घंटे में है। उसके बाद में क्या है कि 250 घंटे में रिप्लेसिंग, 250 घंटे में आपको उसको पूरा रिप्लेस करना है, यानी मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इंजन ऑयल जो है पेन विथ फिल्टर यानी उसके फिल्टर के साथ में हर 8 घंटे में आपको इंस्पेक्शन करना है, चेक करना है। उसके बाद में क्या है कि फर्स्ट रिप्लेसमेंट ओनली, अगर आपकी मशीन नई है तो 50 घंटे में उसको चेंज कर देना है, और अगर आपकी मशीन नई नहीं है पुरानी है चल रही है तो 250 घंटे में उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आपका स्विंग डिवाइस पे, यानी कि स्विंग डिवाइस जो मैंने अभी आपको दिखा, स्विंग डिवाइस उसका जो गियर ऑयल जो मैंने आपको बताया 6.7 लीटर गियर ऑयल जो लगता है, उसमें भी क्या है कि आपका इंस्पेक्शन, चेक और इंस्पेक्शन हर 50 घंटे में आपको कर लेना है, और अगर मशीन आपकी नई है तो 50 घंटे में आपको रिप्लेस भी कर देना है अगर नया है तो, अगर मशीन पुरानी है तो दिक्कत नहीं, अगर जब मशीन पुरानी है तो आपको 1000 घंटे में उसको चेंज करना है, 1000 घंटे में स्विंग डिवाइस का जो है ऑयल जो है गियर ऑयल उसको 1000 घंटे में आपको चेंज करना है। अभी उसके बाद आ जाते हैं, देखिए यहां लिखा है प्रोपेलिंग डिवाइस, प्रोपेलिंग डिवाइस यानी कि जो हमारा ट्रैक मोटर का, जो मैंने अभी बताया ट्रैक मोटर का जो डिवाइस है वो प्रोपेलिंग डिवाइस जो है, उसमें ऑयल लगती है 6.8 लीटर, दोनों में, एक में 6.8 लीटर एक में 6.8 लीटर। उसमें भी क्या है कि फर्स्ट रिप्लेसमेंट 50 घंटे में नहीं है तो मैं ये नई वाली बात ही हटा देता हूं यार, पहला इंस्पेक्शन वो रिप्लेसमेंट ही हटा देता हूं, वो अच्छा रहेगा। हर 250 घंटे में आप उसको चेक कीजिए, चेक और इंस्पेक्शन हर 250 घंटे में कीजिए, और 1000 घंटे में आप उसको रिप्लेस कीजिए, मशीन बेहतर रहेगी, वो मोटर जो है वो बेहतर रहेगी, ठीक है। अभी क्या है कि हाइड्रोलिक ऑयल टैंक, हाइड्रोलिक का ऑयल टैंक जो है जो 220 लीटर की है, उसका क्या है कि हर 8 घंटे में आपको चेक और इंस्पेक्शन करना है, यानी इंस्पेक्शन हर 8 घंटे में करना है हाइड्रोलिक ऑयल का कि कितना है नहीं है, लेवल पूरा देखना है कम है या बेसी है, वो हर 8 घंटे में आपको करना है। 500 घंटे में फिर आपको चेक करना है। उसके बाद रिप्लेस आपको 2500 घंटे में करना है, यानी 2500 घंटे में आपको रिप्लेस करना है हाइड्रोलिक ऑयल, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं पायलट फिल्टर पे, जिसका एलिमेंट 1 है, इस मशीन में 1 लगा हुआ है पायलट फिल्टर, फर्स्ट रिप्लेसमेंट ओनली
50 घंटे का, वो फर्स्ट रिप्लेसमेंट हटा देते हैं। अगर मशीन आपकी नई है तो पहला रिप्लेसमेंट हम लोग हटा देते हैं। अभी क्या है कि पायलट फिल्टर को हर 1000 घंटे में हम लोग रिप्लेस करते हैं। पायलट फिल्टर जो है अपना एक रहता है, एलिमेंट एक ही है पायलट फिल्टर का, उसको 1000 घंटे में हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग फ्यूल सक्शन फिल्टर, एलिमेंट एक, यानी एक ही फ्यूल सक्शन फिल्टर दिया है मशीन में, जिसको हम लोग क्लीन करते हैं 500 घंटे में, हर 500 घंटे में उसको क्लीन करना है, ठीक है। फुल फ्लो फिल्टर हाइड्रोलिक का, हाइड्रोलिक का जो फुल फ्लो फिल्टर है उसका भी एलिमेंट एक है, एक ही फिल्टर है, उसको हम लोग क्या करते हैं हर 1500 घंटे में चेंज करते हैं, 1500 घंटे में पूरा रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अभी आते हैं हाइड्रोलिक ऑयल सक्शन फिल्टर, यानी हाइड्रोलिक ऑयल का जो सक्शन फिल्टर है एलिमेंट वन, यानी उसमें भी एक ही फिल्टर है, हाइड्रोलिक ऑयल सक्शन का एक फिल्टर है, जिसको हम लोग 1500 घंटे में क्लीनिंग करते हैं और 2500 घंटे में रिप्लेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंजन ऑयल फिल्टर एलिमेंट एक, इंजन ऑयल फिल्टर का एलिमेंट एक है, इंजन ऑयल फिल्टर एक है, जिसको हम लोग हर 250 घंटे में रिप्लेस कर देते हैं। इसमें आपको कोताही नहीं करना है, इंजन ऑयल में और इंजन ऑयल का फिल्टर में 250 घंटे में हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग फ्यूल फिल्टर में, एलिमेंट एक, फ्यूल फिल्टर का एक ही एलिमेंट है, उसको भी हर 250 घंटे में हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। वाटर सेपरेटर, यानी वाटर सेपरेटर का मतलब क्या होता है कि अगर आपके डीजल टैंक में पानी आ गया हो तो जो वाटर सेपरेटर है वहां पे जो आ जाता है पूरा पानी को, जब पूरा नीचे निचली स्तर पे लेके चला आता है वो और वहीं से रहता है, वहां क्या करते हैं हम लोग कभी कभी वाटर सेपरेटर को खोल देते हैं, पानी को बहा देते हैं, उसके साथ थोड़ा डीजल भी हल्का बहा देते हैं, फ्रेश रहे, फिर बंद कर देते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से चेक करके कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि वाटर सेपरेटर जो है वो भी एक ही रहता है एलिमेंट, उसको भी हर 250 घंटे में चेंज करेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अभी क्या है एयर क्लीनर क्वार्टर एलिमेंट वन, यानी कि जो क्वार्टर एलिमेंट जो है वन है एयर क्लीनर का, उसको हम लोग क्या करते हैं चेक फॉर रेड बैंड ऑफ वैक्यूम इंडिकेटर ग्लो इनसाइड कैबिन, यानी कि एयर क्लीनर का जब हमको इंडिकेट मारेगा, जब हमारी मशीन जब इंडिकेटर देगी यहाँ पे, जब सिग्नल आएगी कि ब्लिंक कर रही है यानी कि चॉक कर गया, उस समय हम लोग उसको चेक करते हैं। और चेक करने के बाद में अगर आपको वो साफ करने के लिए है तो पूरा साफ करना है, और अगर देखिए कि हाँ साफ सफाई कर करके हमको उसको चला रहे हैं, बहुत बढ़िया चल ही रहा है, और अगर नहीं चलने लगे तो फिर आप उसको रिप्लेस कीजिए। अभी क्या है कि एयर क्लीनर इनर, एक तो आउटर रहता है एक इनर रहता है, ठीक है। तो मैंने अभी दिखाया आपको एयर क्लीनर, एक आउटर एक इनर, उसी में दो है, तो आउटर का तो मैंने बता दिया आपको। अभी इनर का क्या है, उसमें भी एलिमेंट वन है, उसको 1500 घंटे में कम से कम तो पांच बार, 1500 घंटे के अंदर में पांच बार वो साफ होना चाहिए। और ऐसे तो जैसे कि हम लोग जब से काम करते हैं कि तीन बार चार बार झाड़ दिए उसके बाद उसको चेंज करने में बेहतर रहता है, लेकिन हम लोग हर 8-8 घंटे में क्या करते हैं अपनी मेंटेनेंस के टाइम में उसको पूरा साफ करते हैं, साफ करते हैं तो वो अच्छा चलता है, ठीक है। अभी आते हैं एयर क्लीनर टू टर्बो चार्जर, यानी कि जो एयर क्लीनर टू टर्बो चार्जर से जो लगा हुआ एयर क्लीनर हॉस जो है, हॉस उसका एलिमेंट एक है, उसको हम लोग हर 250 घंटे में चेक करते हैं, जिस हिसाब से मशीन का चार्ट है मैं आपको बता रहा हूं, हर 250 घंटे में उसको चेक करते हैं और 2500 घंटे में उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आता है रेडिएटर एंड डी अरेशन हॉस, मेकअप हॉसेस जिसको हम लोग बोलते थे मेकअप हॉसेस, उसको कहते हैं रेडिएटर एंड डी अरेशन हॉस। चार नोज, यानी कि चार रहते हैं वो, हर 250 घंटे में आपको उसको चेक करना है और हर 1500 घंटे में उसको हम लोग चेंज करते हैं तो बेहतर रहता है, लेकिन हालांकि करते तो है नहीं, और अपने हिसाब से करते हैं, चेक करने के बाद करते हैं कि हाँ एकदम से लास्टिंग पे है तो फिर चेंज करते हैं, लेकिन उसको करना चाहिए, हर 1500 घंटे पे चेंज करेंगे और हर 250 घंटे में उसका हम लोग चेक और इंस्पेक्शन करेंगे। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का टाटा 200EX जो है सुपर LC का पूरा फुल रिव्यू, यानी कैबिन रिव्यू, आउटर रिव्यू, जितना भी था मेरे हिसाब से जो जानकारी बनी मैंने आपको दिया, और साथ में दीपक भाई ने बहुत हेल्प की, दीपक भाई ने कहा कि हाँ भाई आप आ जाओ और इसका एक फुल रिव्यू आप कर दो, तो दीपक भाई सबको बाय कर देते हैं फिर, है ना। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं देखता हूँ आप लोग के लिए मैं क्या बना पाता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।